हेलो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को आज हम लोग डिटेल्स में इस क्लास में जानेंगे सो केमिकल बॉन्ड को आई मीन केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली एक है आयोनिक बॉन्ड और एक है कोवेलेंट बॉन्ड सो आज के क्लास में हम लोग इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग डिटेल्स uh, में जानेंगे ओके अलोंग विथ एग्जाम्पल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ओके इट इज द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाई फॉर्म्ड बाई शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है बिटवीन टू एटम्स बिटवीन टू एटम्स तो इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको थोड़ा याद होगा लास्ट वीडियो में आ, आयोनिक बॉन्ड को हम लोग डिस्कस किया था आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देट इज द दे डिफरेंस ओके कोवेलन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा वीक रहता है कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड तो चलिए आज हम लोग आ, कुछ एग्जाम्पल को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओके कोवेलेंट बॉन्ड का तीन टाइप्स है क्या क्या है फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सेकेंड वन क्या हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके डबल कोवेलेंट बॉन्ड थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड को इस तरीके से और ट्रिपल बॉन्ड को इस तरीके से तो ये कोवेलन बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल ये किस तरीके से होता है एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड फॉर्म होता है सिंगल बॉन्ड ओके okay. यहाँ पे अगर सपोज एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन रहता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और सिमिलर वे में एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन रहता है तो दैट मीन्स यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ओके, okay. so, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिखते हैं फर्स्ट वन इज सी एल टू क्लोरिन गैस यानी कि क्लोरिन मॉलिक्यूल किस तरीके से लिखेंगे तो so, हम लोग को पता है कि क्लोरीन का जो लास्ट शेल है उसमें सेवन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सो so, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम लोग और एक क्लोरीन एटम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सी एल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे सेवन सो so, यहाँ पे आप लोग इजीली या फिर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ओके okay. शेयर करके जैसे कि ये जो क्लोरीन एटम है लेफ्ट साइड का क्लोरीन एटम यहाँ से राइट साइड के क्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ताकि ये स्टेबल फॉर्म करे एट ऑक्टेट सिमिलर वे में ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ऑक्टेट फुलफिल करेगा सो इन दिस वे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल तो यहाँ पे शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन को ठीक है, वेरी सिंपल चलिए नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल के तरफ सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके सो हाइड्रोजन का एक ही है आउटर मोस्ट शेल पे और क्लोरीन का क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है सिंगल बॉन्ड क्लोरीन क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट फुलफिल करेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट फुलफिल करेगा तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया सो अल्टीमेटली एच सिंगल बॉन्ड सी एल ओके सो so, नेक्स्ट और एक हम लोग सिंगल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉमन एग्जाम्पल वाटर फॉर्मेशन एच टू जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ओके सो ऑक्सीजन का कितना होता है ओ ऑक्सीजन का रहता है सिक्स वन टू थ्री फोर यहाँ पे एक फाइव यहाँ पे एक सिक्स हम लोग लिखते हैं और हाइड्रोजन का एक एक रहता है सो so, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का दे देते हैं इस साइड में हाइड्रोजन एक है वन और यहाँ पे एक है हाइड्रोजन वन सो so, हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को दो मिल गया शेयर करके देख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलर वे में इसको भी मिल गया और ऑक्सीजन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए दोनों हाइड्रोजन से एक एक करके लेना पड़ेगा इन दिस वे ऑक्सीजन विल बिकम ऑक्टेट ओके सो अल्टीमेटली यहां पे क्या बन जाएगा इट विल बी ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहां पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड यहां पे हाइड्रोजन यहां पे और एक चीज गौर करने वाला है कि यहाँ पे ये दोनों यहां पे ये दो ये दो, दो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड फॉर्म में है तो इसको भी देना पड़ेगा यहाँ पे वन टू थ्री फोर दीज आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड अनशेर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओके तो यहाँ पे चार अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन को मिला के एक लोन पेयर बोलते हैं इस तरीके से लोन पेयर हम लोग ड्रॉ करते हैं ओके वेरी सिंपल चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं जो कि है डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ओके कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू चलिए ये क्या होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सी ड्रॉ कर लेते हैं सी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो है टू फोर यानी कि लास्ट शेल में फोर और ऑक्सीजन का हम लोगों को पता है अभी ड्रॉ किया हम लोगों ने ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना होता है इट इज़ सिक्स लास्ट शेल में ओके सो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सिक्स सिमिलर वे में इस साइड में भी ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से ऑक्टेट फुलफिल कर सकता है ठीक है और ऑक्सीजन जो है इस तरीके से ऑक्टेट फुलफिल कर सकता है और ये वाला ऑक्सीजन सिमिलर वे में इस तरीके से ऑक्टेट फुलफिल करेगा क्लियर सो अल्टीमेटली यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा इट इज ओ डबल बंड सी डबल बंड ओ क्लियर और यहां पे लोन पेयर रह सकता है यानी कि आंशियर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकता है ऑक्सीजन के ऊपर ओके सो इट इज वेरी क्रूशल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट चलिए और एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एक हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एन टू ओके सो नाइट्रोजन में देखते हैं किस तरीके से होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है सेवन और लास्ट शेल में रहता है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ओके सिमिलर में यहाँ पे और एक नाइट्रोजन ड्रॉ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ओके सो यहाँ पे ऑक्टेट किस तरीके से फुलफिल होगा यहाँ पे अगर ये लेफ्ट वाला नाइट्रोजन अगर यहाँ से सर यहाँ पे थोड़ा नहीं हुआ हाँ इस तरीके से अगर ले लेते हैं सो लेफ्ट वाला साइड ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है सिमिलर वे में राइट साइड का जो नाइट्रोजन है वो अगर यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है दोनों का दैट मीन्स यहाँ पे अब देखिए वन बॉन्ड टू बॉन्ड थ्री बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सो इट विल बी एंड ट्रिपल बॉन्ड एन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गया ओके okay. और एक एग्जाम्पल देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल सी टू एच टू इसका नाम क्या है इट इज इथाइन ई टी एच वाई एन ई इथाइन ओके इसका फॉर्मेशन हम लोग यहां पे देखते हैं सो so, कार्बन डाइऑक्साइड सी सी का कितना रहता है वी ऑल नो फोर सो सी दो रह गए यहां पे एक दो तीन एक दो तीन यहाँ पे एक यहाँ पे एक ओके सो so, चार इलेक्ट्रॉन करके रहता है कार्बन का लास्ट शेल में तो ये गया चार इलेक्ट्रॉन अभी हाइड्रोजन दो चाहिए दिस इज वन दिस इज़ वन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन यहाँ से फुलफिल कर रहा है अपना ऑक्टेट ये स्टेबल बन गया हाइड्रोजन और ये स्टेबल बन गया ये हाइड्रोजन ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या चाहिए लेफ्ट वाला कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस तरीके से शेयर करेगा इस तरीके से क्लियर और राइट वाला कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा ये इसको लेके यहाँ पे शेयर करेगा सो so, आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो कार्बन एटम है दोनों एक साथ यहाँ पे ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है सो so, अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सी एक्चुअली यहाँ पे इट विल बी सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे एक एच यहाँ पे एक एच ओके तो इस तरीके से सी टू एच टू फॉर्म होते तो so, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है क्लियर सो आई होप ये जो पार्ट है कोवेलेंट बॉन्डिंग का आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ओके okay? सो so, आपके लिए एक एग्जाम्पल सॉरी uh, एक होमवर्क रहेगा द होमवर्क इज योर होमवर्क इज आप लोगों को सी एच थ्री सी एल इसका बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है ओके okay? ये एनसीईआरटी टी बुक का क्वेश्चन है तो इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा सी एच थ्री सी एल एंड एन अदर वन इज एच टू एस दोनों एन का क्वेश्चन है तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेरी सिंपल आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और डॉट स्ट्रक्चर करके आप लोगों को दिखाना है बॉन्डिंग ओके सो आई होप इस क्लास में आप लोगों को वेलड बॉन्डिंग कंप्लीटली समझ में आ गया होगा तो so, फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट या फिर क्वेश्चन रहता है तो आप लोग ऑब्वियसली कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा और मैं जितना हो सकता हूँ आप लोगों को हेल्प करूँगा सॉल्यूशन देने का थैंक यू वेरी मच